दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ की सुबह अजमेर में तकरीबन 11 पॉजिटिव कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा सामने आया है। सुबह 9 बजे स्टेट का बुलेटिन है मेडिकल बुलेटिन उसके अंदर अजमेर के अंदर 11 कोरोना के पॉजिटिव बताए गए हैं। सुबह 8 बजे तक अजमेर में केवल 8 कोरोना पॉजिटिव के मरीज थे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसमें देखने में ये आ रहा है इस वक्त कि हर 1 से 2 घंटे के अंदर 1 से 2 मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हम 9 बजे के बुलेटिन की अगर बात कर रहे हैं तो 11 कोरोना पॉजिटिव के मरीज आ चुके हैं सामने, जिसमें से 10 जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं ये तमाम 10 के वो मरीज हैं जो धनमंडी होटल के यहाँ से जो पहला शख्स जो सामने आया था जो होटल संचालक है उसके परिवार के तमाम ये 10 सदस्य हैं। इसके साथ में 1 मुस्लिम ओची मोहल्ले से शख्स कोरोना पॉजिटिव का सामने आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अजमेर के सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी से बातचीत हमारी हुई है, उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये खास बात का जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो 10 सदस्य हैं उनमें जो कोरोना के लक्षण किसी में बिल्कुल भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों में इस तरीके के लक्षण हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से है कि अगर इन लोगों को होम आइसोलेट किया जाए और होम आइसोलेशन के साथ साथ ये लोग अपना पूरी तरीके से तमाम स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन की पालना करते हुए अगर होम आइसोलेट रहते हैं तो भी ये लोग ठीक हो सकते हैं। और ये जो उनकी बात है, जो बात उन्होंने साझा की है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का जिस तरीके से खौफ लोगों के मन में बैठ चुका है उसको मिटाने के लिए भी एक राहत की बात हो सकती है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना से मरीज बहुत ज्यादा हालत में खराब हो रहे हैं, जो अस्पताल में इस वक्त एडमिट हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं है और इम्यूनिटी पावर जिसकी जितनी ज्यादा मजबूत होगी वो बहुत जल्दी ठीक होगा। हमारे तमाम दर्शकों को हम एक बात बता दें, जो बड़ी राहत की खबर है कि अजमेर में बुधवार तक तकरीबन 8 मरीज तो अजमेर के अंदर हैं और 5 कोरोना मरीज जो जयपुर के अंदर है, ये 13 जो टोटल मरीज हैं कोरोना के ये ठीक हो चुके हैं और ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। लेकिन क्योंकि मेडिकल जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक इन तमाम मरीजों को 14 दिन तक अस्पताल में रहना होगा, क्वारंटाइन रहना होगा, और वहां पर लगातार इन तमाम मरीजों की 3 से 4 बार लगातार सैंपल लिए जाते हैं, इनकी कोरोना की जांच की जाती है। जब लगातार 3 से 4 रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके बाद ही इनको घर पर होम आइसोलेट किया जाता है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है कि लगातार अजमेर के जो डॉक्टर हैं जिन अस्पताल के वो लगातार जो मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अब उनके जो कोरोना के मरीज हैं उनको ठीक होने में एक बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। क्योंकि सबसे पहले देखा जाए कि राजस्थान अस्पताल से की खबरें आई थी और अजमेर से ये पहली बार जिन अस्पताल से खबर आ रही है कि 8 जो कोरोना के मरीज हैं उनको पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है, उनकी 2 रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव भी आ चुकी है। इसके साथ अभी देर शाम तक मेडिकल का एक बुलेटिन और अजमेर के चिकित्सा विभाग की ओर से जारी होगा, जिसके अंदर एक और राहत की खबर मिल सकती है कि कुछ और मरीजों का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से जो ठीक हो रहे हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है वो आंकड़ा भी देर शाम तक आ जाएगा। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं जो हमारी डॉक्टर जो के सोनी है उनसे जो बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि तमाम मरीज इस तरीके से हैं जिनमें इम्यूनिटी पावर जिनकी स्ट्रांग है वो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो घबराने की किसी प्रकार की जरूरत शहरवासियों को नहीं है, ये उन्होंने साफ तौर पर अपील किया है। लेकिन एक अपील उनकी वापस से इसी बात को लेकर है कि कोरोना के अगर स्थिति में सिम्टम्स हैं और अगर कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में अगर वो आए हैं तो खुद आगे होकर आए, मेडिकल की टीम को सहयोग करें और अपनी कोरोना की जांच करें। अभी जो रिपोर्ट है एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दें कि बुधवार सुबह 11 नए पॉजिटिव सामने आए हैं और ये तमाम जो 11 पॉजिटिव हैं ये पहले से जो संक्रमित मरीज है उसके संपर्क में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो धनमंडी होटल संचालक का जो परिवार है उसके ये दोनों परिवार के सदस्य हैं जिनकी संख्या 10 है, इसमें 1.5 महीने की मासूम बच्ची भी है। अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन ये बेहद चिंता की बात उस परिवार के लिए है जिसकी 1.5 महीने की बच्ची है और जो माँ है उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन 1.5 महीने की जो मासूम बच्ची है उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार चिकित्सा विभाग की टीम को है।
सबसे बड़ी बात है कि जब माँ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है, लेकिन डेढ़ महीने की जो बच्ची है उसको अब रखने में बड़ा संशय बना हुआ है कि आखिरकार उसको रखा कहाँ जाए, माँ के साथ भेजा जाए या फिर अलग से उसको जो शिशु विभाग है वहां पर उसको रखा जाए। तो लगातार चिकित्सा विभाग के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन लगातार चिकित्सा विभाग की टीम काम भी कर रही है और राहत की खबर हम बता रहे हैं कि जो कोरोना के मरीज हैं वो लगातार ठीक हो रहे हैं। अब देखिए आज दिनांक हमारे 146 मामले आ चुके हैं, जिसके अंदर जो आज 11 हैं उसमें 10 तो हमारे जो चंदर है दरगाह की जो हुनर थे होटल साहिबा के उनके परिवार के सदस्य हैं, एक हमारा मोची मोहल्ले का ये वो भी कॉन्टेक्ट है, कोई नए क्षेत्र से आज कोई मामले नहीं आए हैं और अच्छी बात भी है। और साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि हमारे 8 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, उसमें एक ब्यावर का था, एक हमारा अरे का था, दोनों क्योर हो चुके हैं और हमारे बाकी 6 अजमेर के जो थे वो हो चुके हैं और 5 पहले ही फैजल वाली जो फैमिली है वो क्योर्ड जयपुर में हो चुकी है। कितने सैंपल आपने ले लिया लोगों से? अब तक हम 3000 से ज़्यादा सैंपल्स ले चुके हैं, सैंपल में ही ये निकल रहे हैं क्योंकि अधिकांश आप देखेंगे तो पेशेंट्स हमारे एसिम्प्टोमेटिक है, वही आप उनमें कोई लक्षण नहीं है, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें यही आती है पहचानने में कि जो एसिम्प्टोमेटिक है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो माइग्रेशन है वो है। तो हम सबसे बड़ा मैसेज आपकी मीडिया में ये देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें, जब अति आवश्यक हो तो ही घर से निकले, बेवजह घर से ना निकले। अगर इन चीज़ों की हम कड़ाई से पालना करेंगे तो हम संक्रमण को काफ़ी हद तक रोक पाएंगे।